नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी का चुनावी मंथन आज है। बैठक में बीजेपी की रणनीति तय होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। 14 लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति बनेगी। रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज लोकसभा क्षेत्र पर मंथन होगा। हारी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का चुनावी रोड मैप तैयार होगा। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। चुनावी मंथन आज है बीजेपी का और फोकस उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है, यानी कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर रणनीति बनाई जाएगी। अब जीत को लेकर इन सीटों पर क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सक्रिय पूरी तरह से नजर आ रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसमें कोशिश है कि इन सभी हारी हुई सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सके। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार मिली है। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती ऐसी सीटें जहां पर जीत हासिल नहीं हुई है और फोकस इन्हीं सीटों पर कि आखिर कैसे यहां पर जीत बीजेपी को दिला सके, इसलिए कार्यकर्ता नेता इन सीटों पर सक्रिय हैं। मंथन आज है, क्या कुछ रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीटें हारी हुई सीटें हैं। अब 2024 में जीत का लक्ष्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है और इसीलिए आज मंथन होगा, चुनावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी, हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन है, आखिर ये जो 14 लोकसभा सीटें हैं इसको लेकर किस तरह की रणनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है ताकि 2024 में उन्हें जीत लिया जाए? देखिए वर्षा, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से अपने चुनावी मूड में कभी भी हमेशा जो है रहती है। जैसे भी उसका पहला इलेक्शन समाप्त होता है, दूसरे इलेक्शन तो पूरी तरह से तैयारी में जुट जाती है। उसी कड़ी में 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है उसको लेके इससे पहले भी लगातार मंथन होता रहा है। आज उसके लिए महामंत्री सुनील बंसल जो है यहाँ पर आज लखनऊ आए हुए हैं और उनके अगुवाई में यहाँ पर आज बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हारी है बीजेपी ने उसके कारण, उसके जो समस्याएं हैं, उनके क्या क्या उसके पॉइंट रहे हैं, किन की वजह से हमको हार मिली और किसकी वजह से हमको जो वोट है वो कम मिला है, उन सभी बारीकियों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद फिर उस पर वो मंत्रणा सेट करेंगे कि किस तरह से इस सीट को हम जीत सकते हैं, उसके बारीकियों पर जाएंगे। और इससे पहले भी आपको बताएं कि बीजेपी ने जो भी वहां पे प्रबुद्ध जन थे, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हो, खेल के क्षेत्र में हो, अधिकारी हो, वरिष्ठ जन हो, कोई संभ्रांत व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, उन सभी लोगों से इन्होंने एक योजना बनाकर इससे पहले करीब 3 माह पहले इन लोगों ने सबसे मुलाकात की और बात की और उनको मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ने की कवायद किया था। उसी कड़ी में आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक की सबसे मूल बात है कि जो भी सीटें हमने हारी है, क्यों हारी है, कैसे हारी है, उसको लेकर के मंथन होगा और उसको किस तरह से अपने पाले में किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, इससे विचार करेंगे और उसकी रणनीति को अपनाएंगे। बिल्कुल पवन जी, दूसरी तरफ क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इन हारी हुई सीटों पर बीजेपी को मंथन करना है, इससे पहले भी जैसे ही चुनाव जीता या हारा उसके बाद से मंथन लगातार शुरू हो जाता है, लेकिन चुनावी रणनीति में हम ये भी देखते हैं बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट पर भी फोकस होता है, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो पर भी उतारते हैं, जातिगत समीकरणों को भी साधते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन सीटों पर हार मिली है। तो अब आगे क्या नए चेहरों पर तलाश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, या जो पुराने उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरह से इन क्षेत्रों में सक्रिय किया जा रहा है? देखिए बीजेपी के संगठन और सरकार के जो लोग हैं वो सभी लोग
पूरी तरह से जमीन पर उतरे होते हैं इनके बूथ के अलावा, जमीन पर उतरे होते हैं इनके बूथ के अलावा, इन्होंने पन्ना प्रमुख और इसके अलावा परिवार प्रमुख की व्यवस्था बनाई थी, जिसकी वजह से लोगों तक इनकी पकड़ पहले से बनी हुई है। उसको लेकर के ये बारीकियों में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कारण है जिनके वजह से हमको वहां पर हार मिली, और जो नए चेहरे या पुराने चेहरे की बात है वो इस बात पे हमेशा फोकस करते हैं कि लोगों में ग्राहकता किसकी है, लोगों की पकड़ किसकी है लोगों में, उन सभी चीजों को पूरी तरह से बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर घोसी का उपचुनाव हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी की जो प्रत्याशी से दारा सिंह चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा, उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से बिल्कुल सजग है कि क्या कारण है, हम किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बीजेपी को हार का सामना न करना पड़े और उनके जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा हो सके, उन्हीं सभी बारीकियों का अध्ययन करेंगे। और इस बार जो पार्लियामेंट्री का 24 का इलेक्शन हो रहा उस पे अपने कैंडिडेट को पूरी तरह मंथन के बाद ही उन्होंने टिकट देने का फैसला करेंगे, क्योंकि इनका जो चुनाव होगा वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होगा, योगी के चेहरे पे होगा, और भाजपा के जो बाकी एजेंडे हैं उनको रख के किया जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद घोसी का उपचुनाव हार का एक बड़ा सिंबल है, जिसको लेकर के बीजेपी चिंतित है और उसको लेकर विचार मंथन कर रही है। जी बिल्कुल बने रहेगा पवन जी, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे।